ये है एस चोपड़ा का बंगला जिसमें उनके बेटे आदित्य चोपड़ा और उदित चोपड़ा रहते हैं, और आदित्य चोपड़ा से शादी होने के बाद रानी मुखर्जी भी इसी घर में रहती हैं। तो आज आपको इस घर का पूरा वीडियो दिखाने वाले हैं, क्योंकि इतने महान प्रोड्यूसर और फिल्म डायरेक्टर हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी मूवी का निर्देशन किया है, जैसे कि दिलवाली दुल्हनिया ले जाएंगे, रब ने बना दी जोड़ी, बेफिक्रे जैसी मूवी का जिन्होंने निर्देशन किया है। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंस के व्लॉग। दोस्तों, हम फिर से आ चुके हैं एक ऐसे महान नायक के घर पे और एक ऐसी एक्ट्रेस के घर पे जिन्हें लोग बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं। दोस्तों, जिनका नाम है यश चोपड़ा और उनके बेटे का नाम है आदित्य चोपड़ा। जी हाँ दोस्तों, और साथ में रानी मुखर्जी। रानी मुखर्जी ने जिनसे शादी की है उनका नाम है आदित्य चोपड़ा। तो रानी मुखर्जी का घर कौन सा है और यश चोपड़ा जी का घर कहाँ पर है जहाँ पर वो लोग रहते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम फिर से आपको उन्हीं का घर दिखाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि रानी मुखर्जी अपने फैमिली के साथ कहाँ पर रहती हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सो गाइस, अभी हम लोग अजय देवगन सर के घर से आ चुके हैं और अभी यहाँ पर आपको जो रानी मुखर्जी का घर है वो दिखाने वाले हैं। तो देखिए, यही है रानी मुखर्जी का घर। यहाँ पर यश इंडस्ट्री जो है यश चोपड़ा का, वहाँ पर वो लोगो भी बना हुआ है, देख सकते हैं आप लोग, वहाँ पर लोगो बना हुआ है मेन गेट पे। और इसी घर में यश चोपड़ा, आदित्य चोपड़ा और रानी मुखर्जी जी रहती हैं। तो देखिए इनका घर कैसा है गाइज, काफ़ी बड़ा और सुंदर घर है। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके यहाँ पर दिखा देता हूँ अच्छे से। गाइज, आपको बता दें कि फिलहाल जो यहाँ पर यश चोपड़ा जी थे उनकी मृत्यु जो है वो 2012 में ही हो गई है, लेकिन इस घर में उनके बेटे आदित्य चोपड़ा और धूम टू में काम करने वाले हीरो के रूप में उदय चोपड़ा हैं वो रहते हैं, और रानी मुखर्जी भी इसी घर में रहती हैं। इस घर में पीछे का एरिया बहुत ही बड़ा है और पीछे बड़े बड़े झूले भी लगाए गए हैं, और यहाँ पर बच्चों के खेलने कूदने के लिए भी झूले लगाए गए हैं। और ये जो घर आप लोग देख रहे हैं ये कोई मामूली घर नहीं है, सबसे महान प्रोड्यूसर फिल्म निर्देशक का ये घर है जिसे लोग यश राज फिल्म्स के नाम से जानते हैं। तो यहाँ गेट पे देखिए कितना सुंदर लोगो लगाया गया है, और ये घर जो अंदर से है वो काफ़ी अच्छा और सुंदर दिखाई दे रहा है। दोस्तों, मंगल पांडे, कभी अलविदा न कहना, राजा की आएगी बारात, मर्दानी टू, हिचकी जैसी हिट मूवी दे चुकी रानी मुखर्जी का यही घर है, क्योंकि आपको तो पता है कि इतनी अच्छी अच्छी वो हिट मूवी दे रही थी, आखिर फिल्म में दिखने वाली एक्टर्स का रियल घर कौन सा है, तो आज मैं आपको दिखा रहा हूँ। और आदित्य चोपड़ा के जो भाई हैं उदय चोपड़ा, उनकी भी कुल संपत्ति की बात करें तो करीब 40 से 50 करोड़ की है, और वो हर मंथली यहाँ पर 5 करोड़ रुपए आसानी से कमा लेते हैं। इनके घर के पीछे देख सकते हैं भंडे लगाए गए हैं, ऊपर से पॉलिथीन डाला गया है क्योंकि बारिश का मौसम आ चुका है, और यहाँ पर एक दरवाज़ा है जिसके ऊपर यहाँ पर हार चढ़ाया गया है, माला लगा हुआ है, वहाँ पर लगता है किसी का फोटो टंगा हुआ है। और क्या इनके घर का नज़ारा है चारों तरफ से, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ और पीछे भी चलूँगा। फिलहाल देखिए यहाँ से थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, यहाँ पीछे झूले वगैरह भी लगाए गए हैं, और देखिए कितने बढ़िया से इसको ऊपर से सजाया गया है, कितनी बढ़िया यहाँ पर कलाकारी की गई है, काफ़ी अच्छा ये घर देखने में लग रहा है। और पीछे बहुत ही अच्छा सुंदर सा एक छोटा सा बागीचा है, और उस बागीचे में कई सारे पेड़ पौधे और यहाँ पर झूले वगैरह भी डाले गए हैं। अभी मैं पीछे चल के भी आपको सब कुछ दिखाऊंगा गाइज। आदित्य चोपड़ा के अगर नेटवर्थ की बात करें तो 6,679 करोड़ रुपए हैं, और सैलरी की बात करें तो गाइज सालाना जो है वो 36 करोड़ से ज़्यादा की कमाई ये सालाना में कर लेते हैं। मंथली इनकम इनका 3 करोड़ प्लस है, और आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट से यहाँ पर कहती है कि कुल इनकी निजी जो संपत्ति है वो 440 करोड़ रुपए है, और उनका जो प्रोडक्शन हाउस है वो हर साल लगभग 960 करोड़ रुपए की कमाई करता है। आप ही सोच लीजिए गाइज कि इतना ज़्यादा कमाई करने वाला बंदा उसका घर आखिर होगा कैसा। देखिए जितने भी लोग जा रहे हैं उनके घर की तरफ ही उनका नज़र है, और काफ़ी ये VIP इलाका है, बहुत ही पॉश इलाका माना जाता है जो जुहू में है। इतना ही नहीं, अगर
यशराज जो फिल्म है उसके अलावा अगर सभी कंपनीज को मिला लिया जाए तो करीब 6000 करोड़ से अधिक के मालिक हैं ये। गाइज, रानी मुखर्जी का निकनेम है खंडाला गर्ल और बेबी, इन्हें पहले लोग इन्हीं नाम से पुकारते थे ये। और आपको बता दें इनका नेटवर्थ है 200 करोड़ रुपए की ये मालकिन है। यहाँ पर देख सकते हैं ये जिस घर में रहती हैं वो घर कितना सुंदर है, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके यहाँ पर दिखा रहा हूँ। बहुत ही अच्छा यहाँ पर इस घर को बनाया और सजाया गया है। तो गाइस चलिए थोड़ा सा आपको इस घर का पीछे का नज़ारा भी हम दिखा देते हैं। तो देखिए अभी हम आ चुके हैं पीछे, और पीछे थोड़ी सी जाली तो लगाई गई है लेकिन किसी प्रकार से जूम करके दिखा रहा हूँ। देखिए वहाँ पर छतरी लगी है जहाँ पर लोग बैठ के आराम भी फरमाते हैं, और यही चौक से आगे जाने पे आपको इनका मेन गेट पड़ेगा। और देखिए पीछे यहाँ पर झूले वगैरह भी लगाए गए हैं। और ये जो नज़ारा है वो मैं आपको जो अजय देवगन का शिव शक्ति बंगलो है उसके ठीक सामने से ये नज़ारा आपको मैं दिखा रहा हूँ। इसके जस्ट पीछे यहाँ पर अजय देवगन का बंगला है, और इसके जो रानी मुखर्जी का घर है इसके बगल में धर्मेंद्र जी का घर है। तो गाइज यहाँ पर देखिए यही है शिव शक्ति। उम्मीद करूँगा ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो जल्द ही मिलते हैं नए ब्लॉग में। धन्यवाद दोस्तों।